हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला है कि मैम आपकी रीडिंग बहुत छोटी होती है, थोड़ी सी लंबी करिए, ड्यूरेशन बढ़ाइए, थोड़े से और एक्स्ट्रा कार्ड्स निकालिए, क्लैरिफिकेशन कार्ड्स निकालिए। तो अंडरस्टूड, ठीक है, ये रीडिंग हम थोड़ी सी बड़ी करते हैं। इसमें मैं ज्यादा कार्ड्स ड्रॉ करूंगी, इसमें मैं थोड़ी सी ड्यूरेशन बढ़ा रही हूँ कार्ड्स की। देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैसेजेस और क्या होते हैं यूनिवर्स की तरफ से हमारे लिए। ऑल्सो जनरल रीडिंग है तो हम करियर कवर करेंगे, हेल्थ, मनी एंड मैरिज कवर करेंगे। 6 जून से 15 जून तक की रीडिंग है ये। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए सैजिटेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, सैजिटेरियस के लिए जनरल मैसेजेस 6 to 15 जून। जनरल मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज के लिए जनरल मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। देखिए, पहले मैं 3 कार्ड्स ड्रॉ करती थी, अब मैं 6 कार्ड्स ड्रॉ कर रही हूँ। ओके। सैजिटेरियस, देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न, सॉरी मेरा गला थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा मेरे साथ। नाइट ऑफ कॉइन्स है हमारे पास। आपको ना थोड़ा सा हार्डवर्क काफी करना पड़ सकता है, थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली काफी हार्डवर्क करना पड़ सकता है नेक्स्ट 10 डेज में। हार्डवर्क के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रूटीन भी आपको फॉर्म करना पड़ेगा, रूटीन फॉर्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा नेक्स्ट 10 डेज में। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, सॉरी, नेक्स्ट 10 डेज में अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगे एंड अगर आप अपना रूटीन नहीं फॉर्म करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड प्रोफेशनल स्पेस। तो आपको थोड़ा सा ना इस तरीके से ऑर्गेनाइज और इस तरीके से एक अपना रूटीन फॉर्म करने की जरूरत पड़ सकती है कि लोग आप पे डिपेंड कर सके, लोगों को लगे कि हाँ सैजिटेरियस पे हम डिपेंड कर सकते हैं। यू नो, लाइक सैजिटेरियस पे हम उनको, हम एक बेंचमार्क रख के आगे चल सकते हैं। वो अपना रूटीन अगर अच्छे से कर सकते हैं, उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हुई है, अगर वो ऑर्गेनाइज हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो आपको वो बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा। एक डिपेंडेबल इंसान, एक ऑर्गेनाइज्ड इंसान बनने की जरूरत है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर। किंग ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास। मुझे यहाँ पे काफी लॉजिक दिख रहा है, काफी इंटेलेक्चुअल चीजें दिख रही हैं, काफी लॉयल्टी दिख रही है। नेक्स्ट 10 डेज में हो सकता है आपकी लॉयल्टी टेस्ट हो एंड आपका कोई ऐसी सिचुएशन आए काम में जहां पे लॉयल्टी भी टेस्ट हो एंड साथ साथ आपकी जो समझ है, इंटेलेक्ट intellect है, इंटेलेक्चुअल, जो विजडम बोलते हैं जिसको, कि ये इंसान कितना स्मार्ट है। विजडम भी नहीं, एक्चुअली विजडम होता है समझदारी, इंटेलेक्ट होता है दिमाग, स्मार्टनेस। तो आप में स्मार्टनेस कितनी है, तो वो चीज आपकी टेस्ट हो सकती है आपके करियर, प्रोफेशन, बिजनेस स्पेस में। अथॉरिटेटिव होने की थोड़ी सी मुझे वाइब आ रही है कि हो सकता है किसी चीज को लेकर आप अथॉरिटेटिव हो रहे हैं। कहते हैं ना, दूसरे को बताना कि हाँ ये मेरी जगह है, ये मेरा एरिया है, तो यहाँ पे आप मेरी सुनोगे। तो अथॉरिटी रखना, अथॉरिटेटिवनेस, दूसरे को एक कन्वे करना कि यहाँ पे दिस इज माय एरिया, यू आर गोइंग टू लिसन टू मी। तो वो अथॉरिटेटिवनेस आपकी ओवर पार करती दिख रही है नेक्स्ट 10 डेज में। लॉजिकल हो रहे हैं आप, काफी इमोशनल नहीं हो रहे हैं, आप काफी लॉजिकल एडवाइस दे रहे हैं दूसरे को। एंड करियर में भी आप कोई भी स्टेप ले रहे हैं या कहीं पे भी आगे बढ़ रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, आप लॉजिक को साथ लेके चल रहे हैं, आप इमोशंस में नहीं बह रहे हैं, ठीक है। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये दिख रहा है। पर्सनल रिलेशनशिप से मुझे ऐसा लग रहा है कोई पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो काफी डिसअपॉइंट हुआ हुआ है आपसे एंड डिसअपॉइंटमेंट की वजह से ना दे आर वॉकिंग अवे, ठीक है। उनको लग रहा है कि सैजिटेरियस मेरे उस पे खरा नहीं उतरा, लाइक मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा, सो समवन इज वॉकिंग अवे। अब रोल्स रिवर्स भी हो सकते हैं। देखिए, हो सकता है आप किसी से डिसअपॉइंटेड हैं एंड यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समवन, या फिर कोई और आपसे डिसअपॉइंटेड है एंड दे आर वॉकिंग अवे, बट
एट ऑफ कप्स है पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, कुछ एंड हो रहा है एंड एंड होने के साथ साथ उस चीज से अलग होने की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है कि कोई सेपरेशन हो या मैरिज में कहीं कोई थोड़ी सी बहस हो रही हो, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हो एंड दूसरा इंसान बोले आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू एंड लाइक आई एम वॉकिंग अवे और मे बी आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक, तो वो हो सकता है मैरिज की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। बट फेस वैल्यू पे मत जाइएगा, द मून है हमारे पास, दो हाई प्रीस्टेस है पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, काफी सिग्निफिकेंट है यहाँ पे सैजिटेरियस, फेस वैल्यू पे मत जाइएगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान झूठ सच कर रहा है, आपको थोड़ा सा ना आपकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठा रहा है। हो सकता है आप अपने लेट्स से अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योर हो एंड आप ही के पार्टनर उस चीज का फायदा उठा रहे हैं, आपको इनसिक्योर और ज्यादा फील करा रहे हैं, या फिर आप अकेले हैं या किसी चीज को लेकर किसी भी चीज को लेकर आप इनसिक्योर हैं एंड आपके पार्टनर उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। ये इनसिक्योरिटी आपकी प्रोफेशनल स्पेस में भी हो सकती है कि आपका बॉस, आपके कॉलीग्स, आपके फ्रेंड्स, नॉट फ्रेंड्स, टीम मेंबर्स आपका आपकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाएं, तो वो चीज भी मुझे दिख रही है। फेस वैल्यू पे मत जाइएगा, देखिए मैं पहले ही बोल रही हूँ, हो सकता है दूसरा इंसान इल्यूजन क्रिएट कर रहा हो, वो कोई ऐसी पिक्चर पेंट कर रहा हो आपके सामने जो कि सच ना हो आपको वो बोले कि ये सच है जबकि सच उसका कंप्लीटली ऑपोजिट हो, तो फेस वैल्यू पे मत जाइएगा। कोई ट्रिक्स प्ले कर रहा है, इल्यूजन आपके सामने पेंट करके रख रहा है, क्रिएट कर रहा है, अपने सपनों पे ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपके सपनों में कोई आए या फिर आप किसी और के सपनों में आओ, या फिर शायद आप अपने ड्रीम्स को सीरियसली नहीं लेते, सीरियसली लेने की जरूरत है, बट इनसिक्योरिटी अपनी हटाइए, ड्रीम्स पे अपने ध्यान देना शुरू करिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल रिलेशनशिप्स। सॉरी मेरा गला, एक सेकेंड। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, आपको थोड़ा सा जो इंसान चेहरे पे अपने दिखा रहा है उसके पीछे एग्जैक्टली वो क्या है वो आपको देखने की जरूरत है। सिर्फ चेहरे पे जो दिख रहा है वो देख लिया, मान लिया, वो करके मत चलिए, ठीक है, अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में खासकर। दो हाई प्रीस्टेस है हमारे पास, अगेन आपके ड्रीम्स बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, दोनों कार्ड्स हमारे पास ड्रीम्स के हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है अपने सपनों पे, बट ड्रीम्स है, सीक्रेट रिवील हो सकते हैं किसी आपके पर्सनल मैरिज में कोई, या फिर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कोई ऑफिस में दोस्त हो जो कि दोस्त बनने का प्रिटेंड करता हो बट एक्चुअली में वो आपके अगेंस्ट जा रहा हो, तो वो सीक्रेट रिवील हो सकता है, बट थोड़ा सा अपना वाइजली चलिएगा, विजडम यूज करिएगा, ठीक है, अपनी इंट्यूशन पे यूज करिएगा, इंट्यूशन, समझ, सूझ बूझ, ये नहीं कि जो दिख रहा है उसे मान लिया और चलते चले गए, चाहे अपने करियर में चाहे मैरिज में। आई थिंक आपको इस कोई सीक्रेट रिवील होगा एंड किसी की सच्चाई पता लगेगी, अपने पार्टनर की सच्चाई पता लगेगी एंड आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाओगे एंड यू विल वॉक अवे, यू विल बी लाइक आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई एम नॉट गोइंग टू डील विद ऑल दिस एंड आई एम वॉकिंग अवे, ये आपका होगा। करियर मैंने बता दिया, मैरिज बताया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है हमारे पास, इंडिपेंडेंस दिख रही है, काफी पैशन दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप काफी ऑप्टिमिस्टिक होके डिटर्मिनेशन के साथ अपना काम कर रहे हो, क्योंकि देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, तो बैलेंस बना हुआ है यहाँ पे, एयर एनर्जी का किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर, एयर और फायर का बैलेंस बना हुआ है यहाँ पे। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस बनाने के चक्कर में ना थोड़ा सा चीज और मल्टीप्लाई हो सकती है, कोई चीज अगर आप दबाना चाह रहे हैं, आप किसी भी चीज को ऐसे कहते ना कि हाँ ठीक है, लाइक कोई फीलिंग है या कोई इंट्यूशन है या कोई भी एक गट फीलिंग कहते हैं जिसको आप इग्नोर करना चाह रहे हैं, तो वो और मल्टीप्लाई होके सामने आएगी, कोई कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं वो और मल्टीप्लाई होके सामने आएगी, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा
क्योंकि एयर और फायर का एनर्जी है ना, एयर और फायर, आग जब ऑक्सीजन में मिलती है तो आग और बढ़ती है, वो कम नहीं होती है, वो बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे मुझे चीजें बढ़ती हुई दिख रही हैं, एस्केलेट हो रही हैं, वो चीज खत्म नहीं हो रही है फॉर सम रीजन। जहां तक इवन तो देखिए पैशन बहुत है यहाँ पे, इंडिपेंडेंस बहुत है, पॉजिटिविटी बहुत है, बट आई थिंक कहीं पे कुछ क्लैश ऐसा हो रहा है जो कि सोर्स जेमिना लिब्रा एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस एंड पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, क्लैशेस कुछ ऐसे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे कि चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो इंस्टेड की चीजें डाई डाउन हो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब देखिए जहां तक बात है पैसे की, नाइट ऑफ कॉइन्स है हमारे पास, पैसा आपके पास आ रहा है, बस आपको रूटीन फॉर्म करने की जरूरत है, आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है, डिपेंडेबल इंसान बनने की जरूरत है, बट पैसा आपके पास आ रहा है। पैसा एंड हेल्थ में भी मुझे ऐसा लग रहा है, पीठ में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी एड़ी में, एंकल में प्रॉब्लम हो सकती है, एंकल में डेफिनेटली मुझे प्रॉब्लम लग रही है। एंड ये राइट 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 लेग में, एंकल में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो अब आपको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, अगर कुछ तो कर लीजिए, बट दिक्कत दिख रही है। देखते हैं टी लीफ टैरो डेक से हमारे पास, फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या है मैसेजेस हैं, जनरल मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। ऑल्सो सैजिटेरियस अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है लेफ्ट या राइट साइड में, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर आपको रीडिंग नहीं चाहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हैं एंड आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम है एंड आपको उसका सोल्यूशन चाहिए, तो आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल भी ले सकते हैं मुझसे। आपको कोई भी चक्रा बैलेंसिंग के लिए चाहिए, या फिर लेट से यू वांट लव इन योर लाइफ, यू आर लुकिंग फॉर अ कंपेनियन, यू आर लुकिंग फॉर सेल्फ लव, यू आर लुकिंग फॉर कॉन्फिडेंस, मनी, जॉब, मे बी थायराइड की प्रॉब्लम है, मे बी पीसीओडी है, माइग्रेन है, कोई भी फिजिकल एलिमेंट्स हैं या इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, हर चीज के लिए रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी होते हैं मेरे पास। जो भी क्लाइंट्स मेरे साथ मेरे से क्रिस्टल्स लेके गए हैं, एटलीस्ट उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वापस नहीं आए हैं, क्योंकि वो एक बार ही ठीक हो जाती है, उसके बाद दोबारा नहीं होती है। तो आपको फिजिकल एलिमेंट्स हैं या इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, या अगर आपको लग रहा है आप पे नजर लगी हुई है एंड नेगेटिव एनर्जी से यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ, देन कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, ऑरा क्लेंजिंग होती है, ऑरा हीलिंग होती है, और स्कैनिंग होती है। तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, बताइए अपनी दिक्कत क्या है एंड देन वील फिगर आउट के उस चीज का सलूशन क्या है, ठीक है? बट कांटेक्ट कर लीजिए अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है। तो सैजिटेरियस के लिए जनरल रीडिंग, जनरल मैसेजेस, जनरल रैंडम मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके, डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, आपने अपने पास्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट्स करे थे या किसी की हेल्प करी थी, और मे बी यू वर जस्ट बीइंग वेरी जेनरस और काइंड एंड यू वर हेल्पिंग समवन एंड नाउ द पर्सन इज रिटर्निंग द मनी बैक टू यू, रिटर्निंग द मनी टू यू, ठीक है? तो वो चीज हो सकती है। अब वो थोड़ा सा आपको देखना है कि इन्वेस्टमेंट है या स्टॉक है या किसी की हेल्प थी या उधार था, बट फाइनेंशियल गेन आपको हो रहा है नेक्स्ट 10 डेज में। पास्ट में कोई चीज आपने करी थी उसका फाइनेंशियल गेन आपको अभी हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज बताइए सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 10 डेज, जनरल रैंडम मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। पाइनएप्पल, रिकंसिलिएशन, किसी इंसान के साथ रिकंसिलिएशन हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो वॉकिंग अवे वाली चीज थी, मे बी यू आर डिसअपॉइंटेड और द अदर पर्सन, योर पार्टनर इज डिसअपॉइंटेड, सो समवन इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द इंटायर सिचुएशन, फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, मैरिज, कनेक्शन, वट एवर इट इज, बट रिकंसिलिएशन हो रहा है, दोनों इंसान वापस मिल रहे हैं साथ में। बट तब भी मैं कहूंगी कि अगर दूसरा इंसान वापस आ रहा है, सॉरी बोल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप रिकनसाइल कर जाएं उसके साथ, फेस वैल्यू पे मत जाइएगा, दूसरा जो बोल रहा है उसे फट से मत मानिएगा, थोड़ा सा अपना विजडम यूज करिए, इंट्यूशन यूज करिए, दूसरा इंसान सॉरी मीन करता है या नहीं मीन करता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। एक सेकेंड,
कार्ड्स पूरे ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो फेस वैल्यू पे मत जाइएगा। सॉरी आजकल वैसे भी हर कोई ऐसे ही बोल देता है, तो ये मत सोचिएगा कि ओ इसने तो सॉरी बोला। सॉरी बोलने में क्या है, मैं आपको 100 बारी सॉरी बोल दूंगी, बट मीन करता है या नहीं करता है इंसान, वो देखने वाली बात है। तो एक्शंस में अगर कुछ चेंज आया है तो ठीक है, बट अगर सिर्फ बोलने बोलने का सॉरी है देन इट मीन्स नथिंग। सैजिटेरियस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल रैंडम मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, 6 to 15। फेदर, समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसेंसेयर। ध्यान रखिए किसके साथ रिकनसाइल कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किस पे डिपेंड करते हैं फाइनेंशियली या इमोशनली, बट किसी पे, जिस भी इंसान पे आप डिपेंड कर रहे हैं वो इंसान इनसेंसेयर है एंड अनडिपेंडेबल है। इस पे आप अपना कहते हैं ना, अपना भार, अपने कंधों का भार इस इंसान पे नहीं छोड़ सकते हो। नॉट बिकॉज के ऐसा नहीं है कि ये बुरे इंसान है, मे बी दे आर जस्ट नॉट केपेबल। ठीक है, क्योंकि यहां पे मुझे मुझे दोनों वाइब आ रही है एक्चुअली। हो सकता है ये इंसान झूठ सच भी करते हो, एंड हो सकता है दे जस्ट डोंट हैव द पोटेंशियल ऑफ हैंडलिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट मैटर, एंड स्पेशली योर्स। तो आपका भार तो ये नहीं कर सकते हैं, ये आपके जो भी पार्टनर हैं। सैजिटेरियस के लिए क्या रैंडम मैसेजेस हैं? रैंडम मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस 6 to 15 जून। टैंकर्ड, सेलिब्रेशन फन एंजॉयमेंट नेक्स्ट 10 डेज में सेलिब्रेट करिए। कोई ऐसा ओकेजन आ सकता है जहां पे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, यू आर हैविंग फन, यू आर एंजॉइंग, यू आर पार्टिंग, यू आर हैविंग फन विद योर मे बी फैमिली और मे बी योर कॉलीग्स। बट अगर नहीं कर रहे हैं तो करने की जरूरत है, थोड़ा एनर्जी आपको ना बैलेंस बनाने की जरूरत है। एनर्जी यहाँ पे ना काफी ज्यादा एनालिटिकल एनर्जी लग रही है, दूसरे को परखना, समझना। तो जब आप किसी दूसरे को समझने में अपना टाइम और एनर्जी लगाते हो ना, तो उसमें वो भी बहुत हैवी एनर्जी होती है, उसमें भी दिमाग बहुत एग्जॉस्ट होता है, क्योंकि दूसरे ने जो एक्शन करा, क्या वो एक्चुअली मीन करता है नहीं करता है, क्या वो झूठ बोल रहा है क्या वो सच बोल रहा है, तो वो सब सारी चीजें परखने में भी बहुत दिमाग लगता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेलिब्रेट करने की जरूरत है नेक्स्ट 10 डेज में, फन करने की जरूरत है, एंजॉय करने की जरूरत है। जो भी चीज आप एंजॉय करते हैं वो एंजॉय करिए, बट थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है इस हैवी एनर्जी से। चार्म्स इस बारी हम नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट थी, ज्यादा कार्ड्स निकाले, ड्रॉ करे, ड्यूरेशन बढ़ाया। तो पहले देखते हैं कि ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लग रही है, फिर बाद में नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे चार्म्स डालने हैं या नहीं डालने हैं। बट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर जो बढ़ी हुई रीडिंग आपको कैसी लगी, ड्यूरेशन बढ़ी हुई। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से सैजिटेरियस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।